China is currently witnessing extreme weather conditions across the country, with some regions hit by record heat waves and drought, while others facing flood-related disasters. At least 17 people were killed and 17 others remained missing after a flash flood hit Datonghui and Tu Autonomous County in Qinghai Province. The state media reported a state level 3 emergency response was initiated as a total. इसके पहले की न्यूज सुनिए अपनी, जयशंकर भारत के फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर जो है जयशंकर, उनका भी स्टेटमेंट आया किस बारे में, क्वाड के बारे में। क्वाड में कौन कौन देश है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, और उसमें और दो देश बाद में है, ब्रिटेन और यूएई। सॉरी गजा बैठ गया थोड़ा सा, यूएई। तो ये जो क्वाड देश है, उन्होंने कहा है कि स्पेस प्रोग्राम, स्पेस थ्रेट, न्यूक्लियर थ्रेट, इसके सुरक्षा के भी इंतजाम क्वाड में होंगे। स्पेस थ्रेट क्या है? स्पेस थ्रेट क्या है? क्या आ रहा है स्पेस से, कोई बताएगा? क्या आ रहा है स्पेस से? क्या है स्पेस थ्रेट? ऐसा क्या हो रहा है जो तुमको पता नहीं उनको पता है? तुम बेवकूफ, तुम लगे पड़े हो हिंदू मुस्लिम में, तुम्हारी जिंदगी झट बन चुकी है, घंटा बन चुकी है, कुछ नहीं। सुबह उठो, ब्रश करो, चाय पियो, बिस्कुट खाओ, नाश्ता करो, ऑफिस में जाओ, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, घर आ जाओ, खेलो कूदो, मोबाइल देखो, हिंदू मुस्लिम डिबेट देखो, है 100 करोड़ 200 करोड़ बैंक का पैकेज मिल रहा है टीवी मीडिया वालों को, तुम उसको डिबेट को रिचार्ज बार मार के देख रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी के डिसीजन मोदी जाके फॉरेन में ले रहा है, लोकसभा में तुम्हारे विरोधी पार्टियां पेज बजा रही है, बिस्कुट खा रही है, चाय बिस्कुट खा रही है। क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? कुछ नहीं चल रहा है। फायदा हुए कुत्ते की मौत, मरोगे बस ख़त्म। यही नसीब तुम्हारे बच्चों का भी है। 135 करोड़ में से 100 करोड़ वैसे ही मरने वाले हैं, जो बचे 33, 32, 35 करोड़ बच गए। तुम्हारा कर्मा मैं डिसाइड नहीं कर सकता भाई साहब, तुम्हारे कर्मा तुम्हारे डिसाइड करेंगे। मैं सिर्फ तुमको राह दिखा रहा हूँ, तुमको नहीं चल रहा है मत चुनो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। और आईटी सेल वालों, भोसड़ी वालों, तुम्हारी ज़िंदगी तो वैसे भी नरक बनने वाली है, तुम्हारे कर्म ही ऐसे ही है, मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि हिंदू धर्म माँ है जो कर्म इस पे चलता है। मोदी नहीं मानता है क्योंकि मोदी ने उसकी आत्मा बेच चुका है लूसीफर को, इल्यूमिनाटी के साथ, डेविल के साथ उसने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, उसके 10 साल अगले साल खत्म होने वाले हैं। अब मैं बोल दूंगा मोदी नहीं रहेगा तो लोग बोलेंगे इतने बहुत हेट है मोदी के लिए। भाई जो है डेविल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप जाके सर्च करो, प्लीज सर्च इट, डेविल कॉन्ट्रैक्ट। डेविल कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है ना, वो 10 साल के लिए रहता है, और मोदी का जो है 10 साल पद पद का अगले साल खत्म हो रहा है। आपको हिट देता हूं, एक मोदी का जो 10वां साल है वो अगले साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। डेविल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने, डेविल कॉन्ट्रैक्ट, वो बहुत 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 डेंजर रहता है, इट्स अ सोल सैक्रिफाइस रहता है। उसने डेविल कॉन्ट्रैक्ट किया है बहुत हाई लेवल पे, बहुत स्पिरिट सुपीरियर लेवल पे ये होता है। तो चलेगा, जागिए, जगाइए, जो जागा है वही बचेगा। सगळे मरणार ना, एकदा अमर पट्टा घेऊन आला किशोर कावठेकर, तुझी गांड फाटली रे, तुझी गांड फाटली, तुला माहिती तुला पापी आहे तू, हरामाची औलाद आहे, तुला पापी आहे, फटेवे कंडमची पैदाईशी तू, 35 करोड़ लोक वाचणार त्यात तुझा नंबर नाही राहणार, तुझ्या आई बापाने तुला धर्म शिकवला नाही, तुझ्या बापाने तुला संस्कार शिकवले नाही, काय
किशोर कवठेकर तुला नहीं ना, तुझी गांड फाटलेली आहे. आपला आई आपण आपला धर्म शिकवला नाही, आपले आपण आपले संस्कार शिकवले नाही, आपले आपण आपल्याला लोकांचं भलं करायचं शिकवलं नाही, आपल्याला फक्त शिकवलं टाळूवरचं लोणी खायचं क्या, म्हणून तुझी फाटली आहे. शाळेला सगळे चालले ना, आपण तिथं फक्त जे आहे नरकात जाऊन बसणार आहे. नरकात तुझ्या टाळूवरचं लोणी खायला पण कोणी राहणार नाही. गरम पाण्यात गरम तेलात उकळून काढणार आहे. जरा गरुड पुराण वाच रे माकडा. तर गरुड पुराण वाच. काय गरुड पुराण? कवठ्या महाकाळ थरथराट. ए कवठ्या महाकाळ, कवठ्या महाकाळ, पुढे कवठ्या महाकाळ. भाई हम हमारी पे आ जाते ना कवठे महाकाळ. साले भोसड़े वाले तेरे जिंदगी में पता नहीं है, एटीट्यूड बहुत है हमारे अंदर और फिर लेते भी बहुत है, बहुत लेते. कभी किसी डॉक्टर के फत्ते पर चढ़ जाना बस. एक किसी डॉक्टर के हत्ते मत चढ़ना, मैं तुम सबको बोलता हूँ. सबसे चढ़ना किसी डॉक्टर के हत्ते मत चढ़ना. बहुत गुस्सा रहता है हमारे अंदर, दिन भर दिमाग चाटने वाले लोग आते रहते हैं, सबके दिमाग चाटे हुए रहते हैं. ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये हुआ, सब हुआ, सब बोल बोल के थके हुए रहते. उसमें सब आता है अगर कोई, अगर वो हत्ते चढ़ जाता है डॉक्टर के, बहुत पूरे दिन भर की कसर है ना उसकी, उसकी निकाल. और ऐसे प्यार से लेते. मैंने अभी एक भी गाली नहीं दी मैंने उसको, कौठा महाकाल को, उसकी पूरी चड्डी निकाल डाली है. हाँ, मुझे जलालिया देने की जरूरत नहीं रही, मैं मराठी में बात करूंगा ना. मैं अगर मराठी में बात करूंगा तो मेरे को गाली देने की बारी नहीं आएगी. मैं इतने आसान से प्यार से उसकी निकाल डालूंगा चड्डी. वो मराठी भाषा है, उसमें हमें एक्सप्रेशन के लिए हमें वर्ड्स बहुत हो, बहुत वर्ड्स हैं हमारे पास. हमारे पास बहुत वर्ड है मराठी में. हिंदी में नहीं सोचते कि हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मराठी फर्स्ट लैंग्वेज है. तो मराठी में तो इतने बढ़िया ले सकता हूँ. तो कवठ्या महाकाळला तो चायला मरायला जागा भेटली नसेल कुठे. जा रे काळा तोंड कुठेतरी, काळा तोंड कर, गटरात बिटरात जाऊन धुणे नसेल तर इथं इथं वाहते गटरचं पाणी. दाखव तुला हे गटरचं पाणी वाहते इथं. तोंड धुवायच्या मध्ये जा, तोंड धु. माकडा जेवला प्रूव केलं तू कवठ्या महाकाळ, तू हे प्रूव केलं की इव्होल्युशन होत होत तू इथपर्यंत आला. आज की, हाँ आज की न्यूज थी ये चूतिया के बिजनेस में रह गया मूर्ख माणसामुळे. आता चूतिया छोटी दिली, मूर्ख माणूस शब्द आहे. मूर्ख माणसामुळे ना मला जी न्यूज द्यायची होती ती तुम्हाला राहून गेली. आज का सिटी का जो फ्रंट पेज है मेरे, उस फ्रंट पेज पे, सिटी के फ्रंट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है 24/7 जो स्ट्रोक के पेशेंट्स है उनके लिए सर्विस अवेलेबल रहने वाली है. किशोर कवठे महाकाळ, चीनाला जीना जी बोलतोय. भाडका तुझा बाप गेला होता का लढाई करायला? अभ्यास केलाय का? बॅरिस्टर जीना कोण होते? 1943 आधीचा त्यांचा रोल काय होता भारताच्या स्वातंत्र्यामध्ये? ज्या तुझा आजा, तुझा पंजा ज्या घरामध्ये आहे ना बसून पिंडीला पाणी घालत असेल ना, काय ज्या वेळेस तुझ्या आजोबा त्या संघामध्ये भाषण करत असतील असे छातीला हे छंड्या घालून, तू कवठ्या महाकाळ कवठेकर, तू साला संघी आहे 100%. ते शिकू नको मला. 95% ब्राह्मीण हे संघीच असतात. तर कवठ्या महाकाळ त्या 1929 ज्या वेळेस या ब्रिटिशांनी तुमचा आयडी काढले होते त्यावेळेस फक्त 4 लोकांनी त्याला विरोध केला होता. 4 लोकांनी, महात्मा गांधी, मौलाना आझाद, पटेल आणि मोहम्मद अली जिना. 4 बॅरिस्टर्स होते बरं का, 4 बॅरिस्टर्स होते. त्या तुझा आजा त्या संघाच्या चड्डी घालून आहे ना तिथं जाऊन जाय वस्तू होते करत होता ना, त्या अशी गोष्ट आहे. तर जिनानं भारताच्या स्वातंत्र्यामध्ये काय दिलेलं आहे हे तेवढंच आहे खरं की जेवढे महात्मा गांधींनी दिलेले आहे भारताला.
ही महत्वाकांक्षा वेगळी. तुमच्या पेशव्यांची महत्वाकांक्षा वाढली ना, संभाजी राजांच्या विरुद्ध कट रचले तुम्ही पण. मला तोंड नका उघडायला लावू रे तोठ्या महाकाळ. ज्याला रिस्पेक्ट द्यायचा त्याला बराबर रिस्पेक्ट देतो मी. भगतसिंगाला भगतसिंगजीच म्हणणार, चंद्रशेखरला चंद्रशेखरजीच म्हणणार, आजादांना आझादजीच म्हणणार, सावरकरांना मी म्हणू शकत नाही जी. तुम्ही यार पेटिशन लिहिलं यार, मला माफ करा, मला माफ करा. तर अंदमान निकोबारमध्ये आज आल्या न्यूजपेपर जात नाही, आज बातम्या जात नाही. आणि 1919 तर बंद जेलमध्ये यांना तुम्ही काय साक्षात्कार झाला का की टू नेशन थेरी यांनी मांडावी 1923 बराबर पेटिशन पाठवलं टू नेशन थेरी लिहा द्या म्हणून सांगितली भारताला. त्या जिनाच्या आधी सावरकरांनी टू नेशन थेरी दिली होती. बरे तुम्ही संघी लोक RSSवाले BJPवाली सावरकरांची जयंती साजरी करता, सावरकरजी लिहिता, टू नेशन थेरी तर पहिल्या सावरकरांनी दिली होती. तिथं कसं काय जिला होता मग? शिकू नका रे, जाऊन तुमच्या त्या सकाळच्या 7 पाठशाळेवर जाऊन ते शिकवा तिथं. आम्हाला नका शिकू कुछ नहीं, उसकी चड्डी निकाल दिए रामप्रिया रामप्रिय बख्शी जी. वो बहुत कर रहा था मैं ऐसा मैं वैसा मैं वैसा. अच्छा सा भी मराठी, बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी मराठी बात करने की, आज मैंने कर ली. रवि दरबार का जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम. इसकी वजह से भले कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, उस बेवकूफ़ आया उसने कॉमेंट किया तो मैंने हिंदी में बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी बात करने की, मैंने कर ली. सुमित कुमार सावरकर गिवर फर्स्ट टू नेशन थ्योरी इन 1930. सुमित कुमार जाके पढ़ाई कर लो. क्या सुमित कुमार, यू आर नॉट अ स्मार्ट बॉय. जाके 1930 में दिया था जाके फिर से पढ़ लो एक बार. किशोर कवठेकर, सावरकर घ्यायची लायकी आहे का? बिलकुल माझी लायकी नाही आहे त्याचं नाव घ्यायची. माफी विराची माफी, मी कशाचं नाव घेऊ, कशाला नाव घेऊ त्याचं. माझी जीभ लई जड होती बाबा, मी स्वातंत्र्यवीरापेक्षा पण लई मोठा आहे. भारताच्या 40 करोड लोकांना वाचवले मी आणि 80 करोड एशियन कॉन्टिनेंटच्या, ज्यामध्ये पाकिस्तान पण येतो, म्हणजे बांगलादेश पण येतो, असे 80 करोड लोकांना वाचवलेले मी. म्हणजे टोटल भारतात ज्यावेळेस पॉप्युलेशन होती ना 23 करोड, त्याच्या आज 4 लोकांना मी आज वाचवलेलं आहे. त्यामुळं तू शिकू नको मला, आणि तुझ्यासारख्या दीड दमडीच्या माझ्या तोंडात शिवी येईल उगा तुझ्यामुळं बाकीच्या समाजाच्या लोकांना मला नाव नाही ठेवायचं. तू जाऊन तुझं तुझं नाग वळी आणि तिथं कर ना तू त्या नाशिकमध्ये, श्राद्ध कर ना त्या पैठणला आमच्या, कशाला तू बडबड करतो इथं. उगा मी कॉमेंट आता तू महाराष्ट्र म्हणून मी तुला 3 दिले बरं का? तू जर महाराष्ट्र नसताना तुला पहिल्या कॉमेंटला ब्लॉक केलं असतं. मी महाराष्ट्रीय नाही इसलिए मैंने उस बंदे को तो चान्स दिए है, तीसरा चान्स उसको दिया है, वरना मैं फर्स्ट चान्स पे ही गाली और ब्लॉक कर देता हूँ. तो डॉक्टर साहेब अगदी खरे, तुम तुझ्या वेळी करे घेतला डोस नाही घेतला. दिनेश धन्यवाद. जागा हे वही बचने वाला है. यस यस. तो दोस्तों सभी को ओके सर, चाइना मध्ये पहिला झोमी केस आढळली आहे. ओके निखिल पाटील साहब ने पहिली झोमी केस देख ली है. कहा देखिए मुझे वो सबको बता दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ. चाइना में पहली झोमी केस मिल गई है. ओके मुझे नहीं पता है क्या था, मेरा कल नया मोबाइल आया और उसके मोबाइल में अपग्रेड भी पूरा नेट पैक खत्म हो गया. तो मैं कल आपने देखा होगा मैं कल बहुत कम कमेंट किए. और मैं आया हूँ चाय पीने हमारे यहाँ पे. ये आपका रामभाऊ, रामभाऊचा शिवतेज चहा, रामभाऊचा शिवतेज चहा लालो मी. ये बस रोज़ सुबह आने के बाद जब आपका लाइव ख़त्म होता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ चाय पीने और फिर क्लिनिक जाता हूँ. राम 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 राम. तो दोस्तों ठीक है, लाइव यूट्यूब लाइव. चलो दोस्तों मिलते हैं, जागिए जगाइए, जो कुछ रहेगा अपडेट टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे. सभी को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सत श्री अकाल, जय जवाहर, दुआओं में याद रखो. या हिदायत मुल्ला जी आ चाह गया.